नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आइए हम बताते हैं आपको मंडार मार्केट की पोजीशन कि दीपावली के पहले जो खरीदारी खुलती थी, ग्राहकी खुलती थी, वो अब की बार नहीं है और लोग मायूस थे। लेकिन अभी धनतेरस के दिन से पब्लिक दिखने लगी है। हमने अलग अलग व्यापारियों से बात की किस तरह से मंदी थी और अब दो तीन दिन में कैसे व्यापार दिख रहा है। सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, सबने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी। कोई किसी बात से सहमत था, कोई किसी बात से सहमत था, वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले देखते हैं पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से बाज़ार में आज रौनक नज़र आई। अलग अलग जगह पर सभी दुकानों पर ग्राहक नज़र आए, बाज़ार में भी ग्राहक नज़र आए और लोगों में दीपावली की खुशियाँ नज़र आई। आज देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल फर नेपाल कपड़ों में भी उत्तम भाई बताइए, ये जो इस वर्ष की दीपावली कैसे देखते हैं, किस तरह से मार्केट में, जैसे आज से दिवाली शुरू हो गई समझो, धनतेरस है, 1403 दिन रहे,
पहले के वर्षों में और इस वर्ष में कितना अंतर देखते हैं? अंतर अंतर तो इतना नहीं है खास, केवल ऑनलाइन के हिसाब से थोड़ा फर्क रहता है, बाकी ठीक चल रहा है। जैसे बाजार में लोग कम दिखते हैं, अनुमान क्या होता था हर वर्ष 15-20 दिन पहले मार्केट में लोग दिखते थे, अब की बार 2 दिन बाकी है और लोग कम दिख रहे हैं? अब धीरे धीरे आएंगे, मूंगफली के पैसे नहीं आए लोग। अच्छा, सोने चांदी के व्यापारी हैं सतीश भाई सोनी। सतीश भाई, कैसे देखते हैं इस मार्केट की, इस मंदी को? ये तो 0% है इसका, इस साल का बाजार दिवाली। हाँ, 0%। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? महंगाई बहुत बढ़ा दी, महंगाई, सोने चांदी के भाव बहुत आसमान पे चढ़ गए अभी, मतलब आपके जीवन काल में 60-75 साल मैंने ऐसा भाव नहीं देखा, कभी ऐसी दिवाली नहीं देखी थी, एक पैसे की कमी नहीं हो रही है अभी हमारे। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ में एक कपड़े के व्यापारी हैं, क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम भाई, इस साल की जो दिवाली है, जैसे अभी 2 दिन रह गए और फिर भी मार्केट में लोग कम नजर आ रहे हैं, है। ये चीज़ें 15 दिन पहले हो जाती थी पिछले वर्षों में, तो इस मार्केट को कैसे देखते हैं, इस साल कैसे देखते हैं दिवाली को? सबसे बड़ी प्रॉब्लम काफ़ी आई, जिन लोगों के खेत में मूंगफली बोई थी वो पट्टी कट्टे के हिसाब से 10 बोरी निकलती थी, इस बार किसी के 2 बोरी निकली, किसी के 3 बोरी निकली, किसी के 4 बोरी निकली, ठीक है। गंज में गया, अभी गंज से पैसा किसी का मार्केट में आया नहीं, आज थोड़ा बहुत आया, बैंक वालों ने बांटे हैं, तो आज मार्केट में ग्राहकी दिख रही है। अब आगे संभावना है कि दिवाली के बाद अच्छी ग्राहकी का माहौल रहेगा। मतलब लोग जैसे इंटरनेशनल मार्केट को जोड़ के मंदी देखते हैं, वैसी मंदी नहीं है? नहीं, वैसी मंदी नहीं है। अच्छा, ग्रागी ये ग्राहकी है, ग्राहकी है, है। लेकिन अब जैसे अगर ट्रेंड भी बदल रहा है लोगों का, धर्म को जो थोड़ा बहुत जैसे ऑनलाइन आ गया सिस्टम, तो ऑनलाइन से भी लोग मंगवा देते हैं, थोड़े बहुत मार्केट में भी आते हैं, बढ़ गया मार्केट पूरा। तो अब लोग जरूरत की चीज़ें ही समय पर खरीद लें, पहले जैसे पैसा नहीं है ना। अच्छा, पैसा नहीं, पैसे की कमी। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ में इलेक्ट्रॉनिक के व्यापारी हैं, हरिओम इलेक्ट्रिक में, क्या नाम है आपका भाई साहब? गणेशाराम। गणेशाराम जी, कैसे देखते हैं दिवाली को पिछले वर्ष की मुकाबले, इस वर्ष कैसे दिवाली? इस वर्ष पिछले वर्ष से थोड़ी काफ़ी थोड़ी कम है, इतना माहौल नहीं है, थोड़ा माहौल कम है बंदी की वजह से। क्या क्या कारण ऐसे? किसानों की के मूँगफली पैदावार कम होने के कारण मान लो ग्राहकों की भी कम है, इसलिए मान लो। अच्छा, जो पैदावार उन्होंने मार्केट में बेची उसका पैसा भी समय पर नहीं आ रहा है? समय पर नहीं आ रहा है, उनका भाव भी हमको मान लो फिक्स नहीं है, मान लो डाउन हो रहा है, इसलिए। पहले कितना था, अभी कितना है? पहले मान लो 1200-1300 रुपये था, अभी 1050 रुपये है, मान लो 20 मन का मान। अच्छा, 20 किलो का 1050 रुपये है, कम है, और पहले शुरुआत में 1450-1450 रुपये था। गवर्नमेंट का 1356 रुपये रेट बता रही है, एमएसपी गवर्नमेंट की रेट, तो गवर्नमेंट ने अभी चालू नहीं किया मान लो। अच्छा, गवर्नमेंट ने चालू, खाली रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक, फुट है, 80 फुट लंबी है।